सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कार्तिकेय की सक्सेस के बारे में, मतलब बहुत बड़ी सक्सेस हो रही है फिल्म, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? सर हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं सर, धन्यवाद बोलना चाहते हैं ऑडियंस को, क्योंकि ये फिल्म लाइक ना बहुत छोटे से लेकिन रिलीज़ हुई थी, बहुत छोटी फिल्म थी सर, 50 स्क्रीनों में रिलीज़ होने के बाद अभी ऑलमोस्ट 200,000 स्क्रीन्स में चल रही है सर मूवी ऑल अक्रॉस इंडिया और स्पेशली हिंदी बेल्ट में। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमारा उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा सक्सेस होने वाला है मूवी, और आज हम बहुत खुश हैं और यहाँ मुंबई आए हैं आप सबके साथ ये खुशी इसको सेलिब्रेट करने। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, इतना प्रमोट किया मूवी को आप सारे लोग भी, लाइक यू नो जो मीडिया लोग हैं वो भी अपने मूवी की तरफ प्रमोट किया इसको, सो सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ एंड वी आर इटर्नली ग्रेटफुल। और ये मूवी रुकने वाली नहीं है सर, बिकॉज यू कैन सी एवरी डे कलेक्शन इज इंक्रीजिंग एंड यू नो हमने बॉक्स ऑफिस नंबर्स को ध्यान में रखते नहीं रखा है, मगर आज सारे बॉलीवुड ट्रैकर लाइक बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मूवी की। एंड आई थिंक आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू द ऑडियंस एज वेल एज माई प्रोड्यूसर माई डायरेक्टर एंड ऑल्सो अनुपम जी हूज हियर हु इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एंड इज योर सपोर्टिंग अ फिल्म बिकॉज इज एन अमेजिंग रोल इन द फिल्म। अनुपम जी, व्हाट डू वांट टू से आफ्टर द सक्सेस ऑफ कश्मीर फाइल्स, वन मोर हिट, वन मोर ग्रेट स्टोरी, द काइंड ऑफ स्टोरी लाइन, ये ट्रेलर से ही हमें पता चल गया था कि एक अच्छी स्टोरी लाइन है, और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है बॉक्स ऑफिस पे स्टोरी लाइन को लेके, आप क्या कहना चाहोगे सर इसमें? मुझे लगता है कि स्टोरी इज ऑलवेज द किंग और द क्वीन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, हमेशा तथ्य जो है, हमेशा जो नैरेटिव है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि कश्मीर फाइल्स जो कि ऐसी कोई एंटरटेनिंग फिल्म नहीं थी मगर सच पे आधारित थी, और वो उसने इतना बड़ा बिजनेस किया, और अब कार्तिकेय 2 भी इतना अच्छा बिजनेस कर रही है और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है। ऐसा कोई नहीं था कि इसका कोई बजट 50 करोड़ था, इसके मार्केटिंग का होर्डिंग्स लगे हुए थे, कुछ नहीं। जैसा कि अभी निखिल ने बताया कि 50 थिएटर में रिलीज़ हुई थी, आज मोर 2000 ज़्यादा थिएटर पे चल रही है, और हमेशा चलता है जो जिस जो कहानी से दिल से बनाई जाती है वो दिल तक जुड़ती है, और हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छी इसको बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्देशन किया, हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक जो दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, कश्मीर फाइल्स के और कार्तिकेय 2 के भी। और इस सक्सेस से जिस तरह से निखिल ने दुनिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, सोशल मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया, इसका मतलब फिल्में जिनकी कहानी अच्छी होती है और जो अच्छे हिसाब से बनाई जाती है वो चल सकती हैं। अनुपम जी, कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो कश्मीर फाइल्स एक बहुत बड़ी हिट थी और ये भी एक बहुत बड़ी हिट हुई, तो आप कितना लक्की मानते हैं कि आप जो है बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जो मतलब कि दो बड़ी हिट दे चुके हैं जहाँ पे बॉक्स ऑफिस जो है फिल्में बड़ी बड़ी फिल्में चल नहीं रही। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ना मुस्कुराऊँ, मेरा दिल कर रहा है मुस्कुराने का, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और बोलते जाओ। आप भी एक ऐसे एक्टर हैं सर कि जो मतलब, देखिए मैंने अपने 38 साल के करियर में और 530 फिल्मों में काम कर चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर और मुझे हमेशा लगता था कि जिन भी फिल्मों का मैं अभिन्न अंग रहा हूँ वो बहुत चली हैं, चाहे वो हम आपके हैं, कौन है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घोंसला का घोंसला, वेडनेसडे, स्पेशल 26, कुछ कुछ होता है, मगर आज के दौर में जब मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस फिल्म में, और पर कश्मीर फाइल में तो मेन रोल ही है, पैसों से नापा जाता है सबको, कंटेंट कहते हैं, कंटेंट के हिसाब से तो ठीक है चली थी, मगर अब पैसों के हिसाब से देखा जाए तो 350 करोड़ कश्मीर फाइल्स, और ये तो भी गिनती शुरू हुई है इसकी, तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, पर मेरे लिए उतार चढ़ाव, फ्लॉप, हिट कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती, मगर आज 2022 में मैं बड़ी फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, बिना किसी को छोटा महसूस कराए, कि 2022 का तो सबसे बड़ा एक्टर आज आपके सामने बैठा है। दो बड़ी फिल्मों को मात दिया है अनुपम सर इस फिल्म ने, हालांकि लो बजट फिल्म है, ये कोई अब देखिए ये पहलवानों का अखाड़ा नहीं है कि मात दिया है, किसी को नहीं दिया, मुझे दुख है अगर वो फिल्में नहीं चली हैं, किसी की भी फिल्म नहीं चलती है, मगर उसके चक्कर में मैं इस बात से खुशी ना मनाऊं कि मेरी पिक्चर बहुत अच्छी चली है, मैं हम उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हूँ मैं, पर जो कोई वजह नहीं है, कुछ फिल्में कभी नहीं चलती हैं, कभी दिल ऑडियंस के को नहीं छूती हैं, और देखिए ये बात हमको मान के चलनी चाहिए कि 2 साल लॉकडाउन और पैंडेमिक रहा है, इन 2 सालों में ऑडियंस में अपने अंदर हर शख्स में एक बदलाव आया है, सिर्फ हिंदी फिल्म के अलावा उन्होंने रीजनल फिल्में भी देखी हैं, चाहे वो मलयालम फिल्में हैं, तेलुगु तमिल फिल्में हैं, या कोरियन सिनेमा है, या सब ने देखा है,
अब उनको वही लगता है कि हमें यार हमें देखना है जो हमको दिल से जो हमारे दिल को छुए। बट मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ विश्लेषण का, वो क्यों नहीं चली है वो ऑडियंस ही जान सकती है। सर अनुपम जी मेरा सवाल आपसे है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जिसमें मुझे अवार्ड नहीं मिला वो फंक्शन ही फ्रॉड होगा। आप कैसे नहीं दे सकते कश्मीर फाइल्स के हर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, ये कैसे नहीं दे सकते? नहीं, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट फिल्म उसी को कहते हैं। और ये बात सुनिए, ये बात मैं अहम से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं यथार्थ से कह रहा हूँ। और कोई इसमें मेरे में घमंड नहीं आया, कहेंगे कुछ लोग आप में से अनुपम खेर का दिमाग खराब हो गया, मगर सच्ची बात है ना। आप कैसे दे सकते हैं किसी और को और कह सकते हैं हम बड़े जेन्युइन अवार्ड देने वाले हैं? आप जेन्युइन अवार्ड देने वाले हो ही नहीं सकते अगर आप कश्मीर फाइल्स को ये सब अवार्ड नहीं देंगे। पैसे के मामले आप भी एक्सपेक्ट कर रहे इतनी, मतलब लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे आपके वर्क के लिए, तो आर यू एक्सपेक्टिंग नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए आपको? सर मुझे तो अभी लेकिन जनता से अवार्ड मिली है सर सक्सेस के रूप में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि लेकिन नॉट जस्ट अप्रिशिएशन, हमें रिस्पेक्ट भी मिला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, और वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, रिस्पेक्ट मिलना। आज किसी भी थिएटर जाए हम लेकिन हाउसफुल्स बोर्ड दिख रहे हैं, नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ये यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन 1 मिलियन पार कर दिया है सर ये मूवी, और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी अवार्ड फॉर मी बिकॉज आई थिंक ये अभी बोल रहे हैं ऐसा, जब अवार्ड सीजन आएगा तो इनकी नजर आएंगे मेरा नॉमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ नहीं, बट इनको मिलना चाहिए, इन्होंने बहुत ही प्यार से इनको, इन्होंने देखिए कितनी मेहनत की है जो हमारे डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, आई थिंक सब देखिए अवार्ड तो ऐसा बहुत सही बोला निखिल ने कि अवार्ड इसको मिलना शुरू हो गया है, जनता जनार्दन का दिल जीतना, उनका बिना किसी पब्लिसिटी के फिल्म को देखना और उनको उसको अप्रिशिएट करना और मुद्रा भी देना, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं। सर लेकिन एक सर, आज इन्होंने ठेका ले लिया, सारे सवाल यही पूछेंगे। आपने बोला था कि मैं रिव्यू करने में गया था कश्मीर फाइल के लिए, लोग इमोशनल से बाहर निकल रहे थे, ये भी फिल्म देखकर लोग इमोशनल हुए, लेकिन जो बॉलीवुड में जो लोग हैं वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे आपके जो हार्ड वर्क को लेके, मतलब मुझसे ऐसी बातें ना बोलवाओ जो लेकिन आपका रिएक्शन सर, मतलब लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, मतलब उनको हजम ही नहीं हो रहा है वो? बहुत जाने जैसे कौन कौन है वो सर, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं अभी देखो उसको उसका खुश हो गया जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अनुराग कश्यप की एज ए बतौर फिल्म मेकर बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मगर जरूरी नहीं उनका सर्टिफिकेट थोड़ा चाहिए हमको, वो कोई सर्टिफिकेट थोड़ा बांटते हैं कि ये अच्छे हैं और ये अच्छे नहीं हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे को जनता ने सराहा है और वो उसके हम बहुत खुश खुश सर। सवाल हिंदी फिल्में नहीं चल रही है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री रूटेड नहीं है, मतलब आप इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं चल रही है? गंगूबाई चली बहुत जबरदस्त, संजय लीला बंसाली की जबरदस्त फिल्म थी, भूल भुलैया चली है बहुत जबरदस्त फिल्म थी, कश्मीर फाइल्स चली है, और हम क्यों भूल रहे हैं कि RRR चली है, पुष्पा चली है, हिंदी में चली है, मैं तो हिंदी में देखी थी थिएटर में जाके। आप एक इंसान को क्यों बना रहे हैं कि वो मसीहा है और जो वो बोल दे वही सच है? सर हाल ही में एक बड़े डायरेक्टर और बड़ी एक्ट्रेस ने सर कहा है कि जिस तरह 2 साल से जब से टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जब से सुशांत सिंह राजपूत की जो भी हुआ है उनके बाद से बॉलीवुड में सर बॉलीवुड ही सर मुझे फिल्म देखी और आपका कॉन्सेप्ट वॉज ब्रिलियंट, मुझे आपका एक डायलॉग है कि मिथोलॉजी एंड साइंस, यू नो व्हाट आई फेल्ट एज अ व्यूअर इज दैट यू नो द फिल्म बेसिकली इज नॉट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथोलॉजी और यू नो फेट, बट इट इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट, यू नो सो ऑब्वियसली कमर्शियल सक्सेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू, स्टार्टिंग विद अनुपम सर, व्हेन यू वर मेकिंग दिस फिल्म, व्हेन यू वर राइटिंग दिस फिल्म, you know, was there ever you know kind of you know apprehension, you know, that this film should not be perceived as a religious film or you know that way? Aisa kabhi? This film is not a religious film, this film is truth actually, this is our history actually, this is about our roots, our culture and our heritage, so we are pretty confident and we don't have any fear telling that. महाभारत रामायण ये सब फिल्म है, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
मैं हमेशा हर बार इसी के ऊपर स्ट्रेस करते रहा कि लाइक ये हर भारतीय को देखना है, हर इंडियन को देखना है ये मूवी. सो वही हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एवरीबडी कम अलॉन्ग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, वॉट एवर. दिस इज़ नॉट अ फिल्म दैट यू नो डिस्टिंग्स बिटवीन एनीबडी. इट्स अ क्लीन फिल्म, इट्स अ फैमिली फिल्म, एंड इट्स एन एडवेंचर फिल्म, फुल ऑफ सस्पेंस, मिस्ट्री एंड थ्रिल्स. सो आप आइए थिएटर को, यू बहुत इन्जॉय करोगे आप. और उसके बाद यू विल ऑल्सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंसाइट इनटू आवर Indian history and about Lord Bhagwan Sri Krishna. Sir, आप सर डॉक्टर कार्तिके के एडवेंचर्स तो वाकई में गूज़बम्प दिला देते हैं सर. और इसमें जो अनुपम सर ने जो ग्रेट हैशटैग दिया है कृष्णा इज द ट्रूथ, सर प्लीज हमें उसके बारे में बताइए सर, कुछ मैसेज दीजिए ऑडियंस को, वी आर वेरी एक्साइटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम दैट यू लाइक द मूवी, और डॉक्टर कार्तिका को रिकॉग्नाइज किया है. सो ऐसे बहुत सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज है हमारे लाइक यू नो इतिहास के अंदर, जो लाइक यू नो डॉक्टर कार्तिके जाके उसको फ्यूचर में भी लाइक यू नो दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी यू नो ही इज गोइंग टू सॉल्व एंड गेट इट टू लाइट. So I just hope that the franchise continues and Anupam Kher sir also does those and films. And Radio Underwood is not a success, sir. Agli film, mere se shuruaat hogi aur mujhse hi khatam.